सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्तियों की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिव शंकर सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल फटाफट मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। हम आज आप लोगों को एपी से परिचय कराएंगे। एपी का पूरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। यह एनसीईआरटी के बुक से क्लास दसवां की 5.1, 5.2, 5.3 में पढ़ना है, लेकिन वह एक्सरसाइज बनाने से पहले हम कुछ बेसिक ज्ञान देना चाहते हैं, जिसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और तब जा करके दूसरे वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज के साथ आएंगे। पहले हम उसको इंट्रोडक्शन से परिचित होंगे। तो एपी किसे कहते हैं? तो संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत रहता है। यह नियत संख्या समांतर श्रेणी का सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसे छोटका डी से सूचित किया जाता है। यह छोटका डी का मान, जिसको सर्व अंतर बोलते हैं, हमेशा नियत होता है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या या शून्य हो सकता है, अर्थात डी का मान नियत संख्या होगा। वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। एपी दो प्रकार के होते हैं, परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी को फाइनाइट एपी कहते हैं, अपरिमित एपी को इनफाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि परिमित एपी 2, 4, 6, 8, 10 है, यहाँ सीमा बन चुका है, यह निश्चित हो गया। 2, 4, 6, 8 निश्चित सीमा है, यह निश्चित पदों में है। यह 2, 4, 6, 8, 10, 10 यह अनिश्चित पदों में, यह अनुक्रम जो है वह अनिश्चित पदों में, इसका अंत नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमित एपी। यह जो अनुक्रम है 2, 4, 6, 8, 10 यह निश्चित अनुक्रम है, निश्चित पदों में है। इसमें पूछा जाए कितने पद है, तो 1, 2, 3, 4, 5 पद है, तो यह परिमित एपी हो गया। और इसे पूछा जाए इसमें, इस अनुक्रम में, यह एक अनुक्रम है, इसमें कितने पद है, तो 2, 4, 6, 8, 10 के बाद डैश डैश, इसका मतलब क्या है, तो यह अनिश्चित पद है, इसी को हम लोग बोलेंगे अपरिमित एपी। अर्थात दोनों प्रश्न को जब हम लोग बनाएंगे तो एक ही फॉर्मूला, एक ही नियम, एक ही कानून चलेगा, लेकिन केवल जानना है कि यह एपी कितने प्रकार के होते हैं, इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। अब प्रश्न से क्लियर होगा अर्थात एपी होता किस प्रकार के, तो प्रश्न से हम लोग देखेंगे। जैसे प्रश्न हो गया 2, 4, 6, 8, 10, जिससे पता चल रहा है कि समान क्रम में वह पढ़ रहा है। 3, 6, 9, 12, 15 जिसे पता चल रहा है कि वह समान क्रम में बढ़ रहा है। 4, 8, 12, 16, 20 जिसे पता चल रहा है कि समान क्रम में वह बढ़ रहा है। 5, 10, 15, 20, 25 जो समान क्रम में बढ़ रहा है, यह एपी है। 6, 12, 18, 24, 30, 36 यह एक एपी हो गया। इस समान क्रम में बढ़ रहा है, हर पद अगला पद एक नियत नियम के अनुसार वह बढ़ रहा है। जैसे देखेंगे लिखा हुआ 7, 14, 21, 7, 4, 28, 7, 5, 35, 10, 10 यह अपरिमित एपी है, क्योंकि इसका पदों का अंत नहीं है। यह एक एपी है, यह एक एपी, यह जो अनुक्रम हुआ यह एपी है, क्योंकि यह समान टर्म एंड कंडीशन के अनुसार बढ़ रहा है। तो इसको कैसे पता चल करेंगे, तो 7 में 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ गया, 21 में 14 घटाएंगे तो 7 आ गया, 28 में से 21 घटाएंगे तो 7 आ गया, 35 में से 28 घटाएंगे तो 7 आ गया। सब एक नियम के तहत, एक कंडीशन के तहत ही आगे बढ़ रहा है, इसी को हम लोग एपी कहते हैं। अब प्रश्न है कि पता करना है कि एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं, तो उसके दो पदों के बीच के अंतर निकालेंगे। प्रत्येक दो पदों के बीच के अंतर यदि एक समान है, नियत है, हाँ धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है, तब वह एपी होगा। जैसे लिखा हुआ है 1, 3, 10, 15 अब पूछा जाए कि यह एपी है, तो इसको पिछले पद से पहले वाले पद को घटाएंगे। पिछला पद 3 है, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आया। फिर यह 10 लेते हैं, 10 में से ठीक पहले वाला पद को घटाएंगे तो 7 आ गया। फिर ये 15 लेते हैं, इसके पहले वाला पद को घटाएंगे तो 5 आ गया। यह जो अनुक्रम है 1, 3, 10, 15 यह जो अनुक्रम है, उसका जो डी हम लोग निकाले हैं, बीच का अंतर वह एक समान नहीं है, तो यह एपी नहीं हुआ। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग एपी नहीं बोलेंगे, एपी उसे ही बोलेंगे तो समान नियम के अनुसार, समान कंडीशन के अनुसार
एक निश्चित संख्या ऐड करने से प्रत्येक पद वह बढ़ता रहे, वह एपी होगा, अर्थात यह एपी नहीं है। ऐसे हम लिख सकते हैं 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ देखिए 4 है, 4 में 2 जोड़े हैं तब 6 आया है, 6 में 2 जोड़ेंगे तब 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तब 12 आएगा। अर्थात यह नियम के अनुसार यह बढ़ रहा है, तो यह एपी है, यह एपी है। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न है 5, 10, 15, 20। इसमें यह जो 5 है इसको प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसे हम बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं या A1 से डिनोट करते हैं, A1। इसका संकेत हुआ A1। A1 का मतलब हुआ प्रथम पद या T1 या T1। A1 बोलिए या T1 बोलिए, इसको हिंदी बोलेंगे प्रथम पद। तो आपसे पूछा जाए कि 5, 10, 15, 20 में एपी के प्रश्न है, 5, 10, 15, 20 में ए का मान कितना है, अर्थात प्रथम पद क्या है, अर्थात T1 क्या है, T माने टर्म होता है, तो 5 आपका आंसर होगा, आपका आंसर 5 है। अगर द्वितीय पद पूछा जाए, द्वितीय पद A1 या A2 या T2, तो आपका 1, 2 दूसरा पद हो गया 10। तृतीय पद पूछा जाए, तृतीय पद को बोलेंगे A3 या T3, 1, 2, 3 हो गया 15। अब पूछा जाए चतुर्थ पद A4 या T4, 1, 2, 3, 4 20 हो गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब समझिए, यदि अब डी निकालना है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, समानांतर जिसको छोटका डी से सूचित करते हैं, तो कोई पद लेंगे ठीक उसके पहले वाले पद घटाएंगे। अगर 10 में से घटाना है तो ठीक इसके पहले वाला पद को घटाएंगे। यदि दिमाग में रहे कि पहले वाला पद घटाना है तो 20 है, तो 20 में से पहले तो 5 है, तो 5 को घटाइएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक उसके पहले वाला, इसके ठीक पहले वाला यह है, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको या इसमें से इसको, तो एक ही आंसर आएगा। देखिए 10 में से 5 गया तो 10 में से 5 गया तो भी 5 आया। अगर 15 में से 10 घटाएंगे 15 में से 10 तो भी 5 आएगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। हमेशा आपका डी एक समान आएगा, तो यहाँ डी निकालना है तो 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से जो डी निकालेंगे इसको हम D1 भी बोलते हैं, D1। यहाँ से जो घटा के लिखेंगे उसको D2 बोलेंगे, यहाँ से जिसको घटा के लिखेंगे उसको D3 बोलेंगे। तो D1 का फॉर्मूला होता है D1, यानी पहला अंतर घटा रहे हैं तो 10 में से 5 घटा रहा है, तो इस 10 को, यानी दूसरा पद है, क्या है दूसरा पद, तो इसको लिखेंगे A2 घटाओ A1। A2 को देखिए T2 भी बोलते हैं, तो T2 भी लिख सकते हैं, तो A2 घटाओ A1, तो A2 10 है, 10 में से 5 घटा दिए तो 5, यानी D1 आपका हो गया 5। अगर D2 निकालना है तो देखिए D1 ही पहला घर है, दूसरा घर तो D2 हो गया, तो 15 में से 10 घटाना है, तो 15 के कमा पद बोलेंगे 1, 2, 3 तीसरा पद, A3 घटाओ A2, 15 घटाओ 10 तो हो गया 5। ए आर डी निकालने आ गया आप लोग को। अब देखिए अगला नेक्स्ट है प्रश्न। अब प्रश्न है 10, एपी का प्रश्न है 10, 8, 6, 4, 10। बहुत अनंत है, इसमें पूछा जाए कि ए निकालिए और डी निकालिए, ए निकालिए और डी निकालिए, तो ए कितना होगा 10, और डी 10 में से 8 घट के 2 होगा, नहीं गलत हो जाएगा। हम बोले थे कोई पद लीजिए उसके पहले वाला पद घटाइए, कोई पद 8 लेते हैं तो 8 में हमको 6 नहीं घटाना है, 8 के पहले 10 है, 8 में से 10 को घटाना पड़ेगा तो हो जाएगा -2। बोले थे कि डी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तो ऋणात्मक है तो है, या डी आपका -2 हो गया, ए हो गया 10, समझ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अब लिखा हुआ है 8, 16, 24, 10। ये पी का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि ए निकालिए, डी निकालिए, A3, A5 मान होता है पांचवा पद, A5 माने
पचमा पद ए निकालना है, डी निकालना है और पचमा पद पंचम पद निकालना है। तो ए हो गया आठ, डी बोले थे कोई पद लीजिए उससे पहले वाला पद घटाइए, ठीक पहले वाला था, सोलह में से आठ घटाएंगे, सोलह में से आठ घटा दिए थे आठ। अब ए पांच, ए पांच यानी पचमा पद निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस फोर डी। अगर ए फोर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस थ्री डी, ए थ्री निकालना है ए प्लस टू डी, ए टू निकालना है ए प्लस डी, ए निकालना है तो अकेले रहता है, ए सिक्स निकालना है तो ए प्लस फाइव डी। फॉर्मूला बनाने का सीखिए, रटिए नहीं, ए प्लस सिक्स डी, ए एट निकालना है तो ए प्लस सेवन डी, इस प्रकार फॉर्मूला निकले चला जाएगा। यहाँ तो निकालना था हमको ए पाँच, ए पाँच, ए पाँच निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस फोर डी। एक मान देखिए आठ है और फोर डी तो चार, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह छुपाया हुआ है, डी का मान लिखेंगे आठ, आठ आठ चौक बत्तीस, बत्तीस आठ चालीस, आंसर हो यानी पचमा पद आपका चालीस हो गया। यहाँ जोड़ी अटका तो सोलह आते चौबीस, आठ चौक बत्तीस, आठ पर चालीस भी होगा और बनाने से भी आ गया, समझ गया। अब देख तीसरा पद तो चौबीस दिया हुआ था, यदि कहता कि तीसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए तो फॉर्मूला है थ्री ए प्लस टू डी, ए के मान आठ है और टू गुना डी के मान कितना है आठ, आठ जोड़ सोलह चौबीस हो गया तीसरा पद चौबीस। इस प्रकार से पद हम निकालेंगे। अब इस तरह से प्रश्न बनाएंगे। अब प्रश्न है दो चार छ आठ दस, दस ए दस निकालिए, कितना हो ए दस निकालिए, बीस निकालिए, पच्चीस, ए दस का फॉर्मूला बनाइए ए प्लस नाइन डी, ए प्लस नाइन डी, ए का मान लिखिए ए बराबर दो होगा डी, बाद वाला से पहले वाला घटा दीजिए, चार में से दो घटा दीजिए दो, ए का मान दो है और नौ गुना दो, दो जोड़ अठारह हो गया बीस बन गया, समझ गए। अब इस तरह प्रश्न हम लोग बनाएंगे। अब यह वीडियो को देखिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे 5.1 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।